देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं तान्या। लेके आए हैं प्रोग्राम फिल्मी ऑपरेशन और आज बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की। देवेंदु शर्मा, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी स्टारर फिल्म मडगांव एक्सप्रेस रिलीज हो गई है। कॉमेडी जोनर इस फिल्म की लंबाई 2 घंटे 23 मिनट की है। एक्सल एंटरटेनमेंट ने मडगांव एक्सप्रेस के साथ पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश की है। इस फिल्म में एक्सल की फिल्मोग्राफी से दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लक्ष्य और हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फिल्मों के कई संदर्भ है। ये कहानी तीन दोस्तों डोडो यानी कि देवेंद्र, पिंकू यानी कि प्रतीक गांधी और आयुष यानी कि अविनाश तिवारी की है। तीनों का बचपन से ही गोवा घूमने का सपना है, हर बार किसी न किसी वजह से उनकी ये ट्रिप पूरी नहीं हो पाती। उम्र बढ़ने के साथ ही आयुष और पिंकू विदेश निकल जाते हैं, उन्हें वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाती है, यहाँ रह जाता है बस डोडो। डोडो को कुछ काम नहीं मिलता, वो दिन भर घर पे बैठकर फोटोशॉप की मदद से सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर एडिट करता है। अपने आप को रईस और फेमस दिखाने के लिए वो इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। आयुष और पिंकू को भी यही लगता है कि उनका दोस्त उन्हीं की तरफ फेमस और पैसे वाला इंसान बन गया है। वो दोनों वापस भारत आने का प्लान करते हैं। डोडो उन्हें अपनी रियलिटी नहीं बताता, वो उन्हें झूठ बोलकर मडगांव एक्सप्रेस में बिठा देता है और तीनों दोस्त गोवा के लिए निकल जाते हैं। गोवा जाने की असली कहानी अब शुरू होती है। तीनों गलती से ड्रग्स के पचड़े में फंस जाते हैं, गोवा के लोकल गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। यही उनकी मुलाकात ताशा यानी नोरा फतेही से होती है। अब तीनों दोस्त उन गुंडों के चुंगल से बच पाते हैं कि नहीं, ये फिल्म देखकर पता लगेगा। तो इसी के साथ दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3.5 स्टार। तो ये था इस फिल्म का रिव्यू। आप भी फिल्म जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और बने रहें दैनिक सवेरा टीवी के साथ।